बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एनटीएन कैसे क्रिएट करना है, आईआरएस पे एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कैसे आपने करनी है, इस प्रोसेस में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा। अगर आपने ध्यान से देखा तो घर बैठे आप अपना एनटीएन खुद क्रिएट कर सकते हो, किधर भी जाए बिना आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हो। सबसे पहले एफबीआर की मेन वेबसाइट पर आना है और आपने आईआरएस पे क्लिक करना है, तो ये आईआरएस का पोर्टल आपके पास आ जाएगा, क्योंकि सारा काम यहीं पे होता है। जब पासवर्ड बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे सीएनआईसी और पासवर्ड से आप लॉग इन करके अपनी जो रिटर्न फाइलिंग है, बाकी जो काम है, नोटिस के अप्लाई है, वो सारे यहाँ से कर सकते हो। अब आपका एनटीएन नहीं बना, तो सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन करेगा, इसमें आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। सीएनआईसी नंबर लिखने के बाद आपने ये सारा सीएनआईसी नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है एज पर सीएनआईसी, जो भी आपका नाम है। अब बाज़ दफ़ा होता यह है कि यहाँ पे आप अपना नाम ठीक लिखते हो, लेकिन जब एनटीएन बन जाता है आपका, तब आपको वहाँ पे पता लगता है कि जिधर तो मेरा नाम गलत था। तो उसका हल क्या करना है, अब देखें, जब यहाँ पे ये जो नाम उठाएगा ना, ये आपका नाम लेता है आपके सीएनआईसी से, मतलब ये आपका ये वाला नाम नहीं उठाएगा जो यहाँ पे आप लिखोगे, ये सीएनआईसी से लेगा। अब उसका हल ये होता है कि अगर आपका नाम यहाँ पे करेक्ट नहीं है, उसको ठीक करवाना है, तो आपने एफबीआर की हेल्पलाइन पे कॉल करनी होती है, उनको बताना होता है कि जी मेरा नाम गलत है एनटीएन पे, उसको ठीक करें। वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपने अपना सीएनआईसी अपने पास रखना है, तो वो आपसे कुछ पूछने के बाद आपका नाम जो है वो ठीक कर देंगे, विद इन 24 आवर नाम ठीक हो जाता है। एफबीआर हेल्पलाइन का नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप उनसे रابطہ कर सकते हो, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, आप अपना नाम इजीली करेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, जैसे जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो। अब इसमें कोशिश ये करें कि आप सिम वो यूज़ करें जिसका नेटवर्क आपने चेंज ना किया हो, मतलब अगर जोंग का नंबर है तो वो जोंग पे ही चल रहा हो, ये ना हो कि जोंग का नंबर आपने यू में या जैज में कन्वर्ट करवाया हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये जो ऐसे कन्वर्ट जब नेटवर्क होते हैं ना, तो उस पर कोड नहीं आता और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोशिश ये भी करें कि ये जो नंबर है ये आपका पर्सनल सीएनआईसी पे रजिस्टर हो, ताकि कल को अगर आपको पासवर्ड रिकवर भी करना पड़े, तो फिर आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे होगा, तो वो आप इजीली रिकवर कर सकते हो। बाज़ दफ़ा होता ये है कि आप अपना मोबाइल नंबर और सीएनआईसी यूज़ नहीं करते, कंसल्टेंट क्या करता है, वो आपसे पूछता भी नहीं और जल्दी से आप अपना मोबाइल और ईमेल डाल के आपका एनटीएन बना के आपको दे देता है। अब आपके पास उसका पासवर्ड जो है वो तो आपको वो शेयर करता नहीं, अगर आप पूछते नहीं तो वो शेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मैसेज भी और मेल पे ही पासवर्ड आता है जो कि उसने कंसल्टेंट ने अपना दिया होता है। और बाद में जब आपको पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तो वो कंसल्टेंट आपको देता नहीं या उससे आपका रबता नहीं होता, तो आप इस पोजिशन में नहीं होते कि आप ऑनलाइन अपना पासवर्ड रिकवर कर सको, क्योंकि ना तो आपने अपना मोबाइल नंबर यूज़ किया होता है, ना ईमेल आईडी यूज़ किया होता है। ये दोनों चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए, इसमें से कोई भी एक चीज़ आपसे गुम हो गई और पासवर्ड भी गुम हो गया, तो फिर आप ऑनलाइन अपना पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते, फिर आपको आरटीओ विजिट करना पड़ता है, वहां पे जाने के बाद आप उसको फिजिकली करेक्ट करवा सकते हो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपने लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे भी उसको कंफर्म करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है ना, अक्सर लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आप इसको फिल कैसे करना है। अब ये वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है एड्रेस की, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज ये करते हैं कि यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसका मतलब है ये हमारी प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका आपकी वेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपने ये सिर्फ एड्रेस पर्पज के लिए देनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एड्रेस पर्पज के लिए है, इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि ये आपका एड्रेस है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता, तो आपने इसको इसी तरह ही फिल करना है। दूसरी चीज़ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो अपना आरटीओ चेंज करना चाहते हैं, आरटीओ चेंज ऐसे नहीं होता, अगर एनटीएन बनाते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप जो चाहोगे वो आरटीओ आपका बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, यहाँ पे आप जो एड्रेस दोगे, जो भी एड्रेस दोगे, चाहे वो सीएनआईसी वाला है चाहे वो सीएनआईसी पे नहीं है, फॉर एग्जांपल आप जो परमानेंट आपका एड्रेस है, जो आबाई एड्रेस है, वो आप रहते हो फैसलाबाद, लेकिन अभी वर्किंग के लिए, बिजनेस के लिए आप लाहौर या कराची आ गए हो, और अब आप चाह रहे हो कि मेरा जो आरटीओ है वो लाहौर या कराची बने, तो यहाँ पे आपने एड्रेस, अगर लाहौर का आरटीओ बनाना चाहते हो तो एड्रेस आपने लाहौर का देना है, अगर कराची का आरटीओ बनाना चाहते हो तो एड्रेस कराची का देना है, अगर आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी वाला एड्रेस दिया तो बाई डिफॉल्ट आपका आरटीओ फैसलाबाद बनेगा, और फिर आपको सारी कम्युनिकेशन फैसलाबाद से ही होगी, और बाद में ये आसानी से चेंज नहीं होता। सिर्फ इस बात को आपने यहाँ पे अगर समझ लिया तो आपका आरटीओ आपकी मर्जी का बन सकता है। यहाँ पे आपने टाइप में आना है, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये कहें कि जी ये क्या है, इसमें ये क्या है, इसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सादा सा काम मैं बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे आना है, इसको फॉर्म में हाउस कर लेके जी हाउस घर का एड्रेस है। अब मेजरमेंट यूनिट है, अगर नॉर्मली कमर्शियल होता है ना, कोई कमर्शियल एड्रेस ऐड करते हैं, तो फिर हम ये स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फुट या स्क्वायर यार्ड यूज करते हैं, घर के एड्रेस में आप मरला कर लें, और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि आप कहें जी मरला मेरा पता नहीं अब कितने हैं, मुझे तो पता ही नहीं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, 5 मरले लिखें, 10 मरले लिखें, कुछ भी लिखें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यूनिट नंबर, कॉम्प्लेक्स एरिया, ये आपका एड्रेस है, ठीक है,
अब आपने इन तीनों बॉक्सेस को फिल करना है, चाहे तो सारा एड्रेस इस एक जगह पे कॉपी कर ले, लिख ले, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट एक डॉट लगा दें, कोई मसला नहीं। चाहे तो थोड़ा सा एड्रेस इधर लिख लें, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लें, और थोड़ा सा एड्रेस इधर लिख लें आप, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको वही बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एड्रेस आपने वो लिखना है जो आप आरटीओ बनाना चाहते हो। यहाँ पे अब जो सिटी आएगा ना, ये आपने यहाँ पे बताना है। जैसे मैं कहता हूँ जी लाहौर ही करना है मैंने सिटी, ठीक है, लाहौर में आपने लाहौर पे क्लिक करना है, यह आएगा। और उसके बाद ये डिफरेंट इसमें लोकेलिटीज़ हैं, लेकिन आप इसको लाहौर भी कर दें, अगर आपको पता है आपका ये एरिया तो स्पेशल उस एरिया को कर लें। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कैपेसिटी। अब अक्सर लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी वो मैं ओनर नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो आपने ये कर दिया या उसने ये कर दिया, तो मेरे भाई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसको सिर्फ आंखें बंद करके फील करें। अब इसको चाहे आप ये टेनेंट कर लें, चाहे ओनर कर लें, कोई आपसे नहीं पूछेगा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। शेयर में आप एक लिख लें, एक से लेके 100 तक कुछ भी लिख लें, मैं फिर वही कहूंगा कि ये एक फॉर्मेलिटी है, एड्रेस यहाँ पे सिर्फ हमने देना है और उसका कोई काम नहीं। यहाँ पे आपने ये कैप्टा जो कैप्चा है ये एंटर करना है। इसको करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे जो है ना मैसेज आएगा कि कोड सेंड हो गए हैं। एक कोड आपको अपनी इस ईमेल पे जाएगा जो यहाँ पे आपने लिखी होगी, एक मोबाइल नंबर पे जाएगा। जब दोनों कोड यहाँ पे आप इंटर करोगे अपनी अपनी जगह और उसको दोबारा से सबमिट करोगे, तो फिर आपको वो मैसेज देगा कि पासवर्ड जो है वो आपको हमने इस मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे भेज दिया है। तो पासवर्ड आ जाएगा आपके पास, जो पासवर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका एनटीएन जो है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड जो आपको मैसेज में आया होगा, उसके बाद यहाँ से लॉग इन करके आप अपना प्रोसेस आगे कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।